धान की आवक शुरू हुई 20 सितंबर को, आप सरकारी एमएसपी पर धान नहीं खरीदेंगे 11 अक्टूबर तक, ये एमएसपी खत्म करने का षड्यंत्र नहीं तो क्या? पूर्व मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा में धान की खरीद टालने के फैसले का विरोध किया है। शुक्रवार से राज्य की मंडियों में खरीद शुरू होनी थी, लेकिन बारिश को आधार बनाते हुए केंद्रीय खाद्य भंडारण निगम ने खरीद 11 अक्टूबर तक टालने के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हुए सुरजेवाला ने इस फैसले को एमएसपी खत्म करने का षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने मांग की राज्य सरकार तुरंत प्रभाव में मंडियों में एमएसपी पर धान व बाजरा की खरीद शुरू करे, धान बाजरा व अन्य खरीफ फसलों के खरीद मापदंड जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश तथा खरीद में देरी को देखते हुए धान और बाजरा खरीद में नमी की मात्रा में छूट दी जानी चाहिए। रणदीप ने कहा कि बेमौसमी बारिश की वजह से प्रदेश भर में किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, गठबंधन सरकार 15 दिनों के भीतर किसानों को पूरा मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि झज्जर रोहतक सहित कई जिलों में हजारों एकड़ फसल पानी में डूबी है, सरकार ने पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कटाक्ष करते हुए सीएम ने कहा कि अगर वे किसानों की मांगों को मान नहीं सकते तो अपनी गद्दी छोड़ दे। एक सवाल पर रणदीप ने कहा सरकार ने पहले 25 सितंबर से धान खरीद का निर्णय लिया, पहली अक्टूबर से खरीद का फरमान जारी कर दिया। दोस्तों, एमएसपी पर धान खरीद खत्म करने का ये साफ षड्यंत्र आपके सामने है। धान की आवक शुरू हुई 20 सितंबर को, आप सरकारी एमएसपी पर धान नहीं खरीदेंगे 11 अक्टूबर तक, ये एमएसपी खत्म करने का षड्यंत्र नहीं तो क्या? ये षड्यंत्र अब साफ है। दूसरा पहलू, धान और अन्य खरीफ फसलों के 2021-22 के मापदंड नए जारी करना भी एमएसपी बंद करना और मंडियों पर तालाबंदी करना ही है। मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी चेहरा इससे भी उजागर होता है कि आज 1 अक्टूबर 2021 तक साल 2021-22 के खरीफ एमएसपी के खरीद मापदंड जारी ही नहीं किए गए। आप मुझे बताएं, अगर ये मालूम ही नहीं कि सरकारी एजेंसी किस मापदंडों से खरीद करेगी, कितनी नमी की प्रतिशत होगी, कितने सिकड़े हुए दाने की प्रतिशत मान्य होगी, कितने डिस्कलर्ड दाने की प्रतिशत मान्य होगी, तो सरकार खरीद कैसे करेगी? तो सीधा सीधा षड्यंत्र है कि एमएसपी पर खरीद ही ना हो और चोर दरवाजे से किसान के एमएसपी को खत्म कर दिया जाए, जो सामने वाले दरवाजे से तीन खेती विरोधी काले कानून कर रहे हैं। मोदी और खट्टर सरकारों का किसान विरोधी क्रूर और निर्दयी चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया है। आए दिन नए नए षड्यंत्रकारी मंसूबों से किसान के पेट पर लात मारना अब मोदी खट्टर दुष्यंत सरकारों का चाल चेहरा और चरित्र बन गया है। और आज मैं आपके समक्ष 5 महत्वपूर्ण पहलू लेकर उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहला, धान खरीदी को टालने का निर्णय है देश और हरियाणा के किसान पर वज्रपात। हरियाणा में धान की खरीदी हम सब जानते हैं 25 सितंबर से शुरू होनी थी। सरकार ने बाकायदा इस बारे में एक पत्र जारी किया है जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं। इसके बावजूद लाखों क्विंटल धान 20 सितंबर से मंडियों में आना शुरू हो गया। 11 दिन बीत गए, आज 1 अक्टूबर है, 20 सितंबर से 1 अक्टूबर 11 दिन बीत जाने के बाद भी एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक फूटी कोड़ी धान खरीदा नहीं गया है। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।